जय साईं राम। नमस्कार, मैं बृज मंसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ग्रंथ राइटर, बुक्स राइटर और रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने बच्चों के सिर्फ माँ या बाप नहीं, यानी मदर और फादर नहीं, बल्कि गॉड फादर और गॉड मदर बनी। अब बहुत सारे दिमाग ये सोचने लगे होंगे कि फ़र्क क्या है। अंतर ये है कि आप अपने बच्चों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। ये जो संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे, वह संस्कार भविष्य में उनके काम आएंगे। आपका बच्चा जो खाता है, जो पीता है, जो खेलता है, उसके बारे में उसे उच्च शिक्षा स्कूल में मिलती है। लेकिन यदि आप अपने दिल से संस्कारी शिक्षा देना शुरू करेंगे तो वह बहुत कुछ सीखेगा। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, यदि आप अपने बच्चों को छोटे होते ही बताना शुरू करें तो शायद इस संसार से शराबी समाप्त हो जाएं। अल्कोहल के जो अवगुण हैं, अल्कोहल पीने से जो बीमारियां होती हैं, अल्कोहल पीने से परिवार में जो कला क्लेश होती है, यदि आप विस्तार से अपने बच्चों को बताएं तो आपके बच्चे दिल से अल्कोहल को नफरत करने लगेंगे। जुआ क्यों नहीं खेलना चाहिए, नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, बुराई क्या होती है, धोखा देना क्या होता है, यदि आप ये सब अपने बच्चों को दिल से बताएं तो आपके बच्चे आदर्शवादी बन सकते हैं। दोस्तों के साथ कैसे समय बिताया जाता है, किसी की दिल से मदद कैसे की जाती है, यदि आप ये सब अपने बच्चों को बताते हैं तो आप उनके गॉड फादर या गॉड मदर हैं। यहीं पर समाप्त बात नहीं होती है। आपके बच्चे की किताबें, आपके बच्चे की दवा, आपके बच्चे की यूनिफॉर्म, आप सब एक्टिवेट करेंगे। परमात्मा के नाम के जाप से यदि आप उन्हें एक्टिवेट करते रहें तो नेगेटिविटी समाप्त होने लगेगी। जिस प्रकार हम अपनी समस्याओं को लेकर घबराते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी बहुत सारी बातें अपने दिल में बिठाकर समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न कीजिए और उन्हें बताइए कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी है, और कैसे इस ज़िंदगी में इन समस्याओं से निपटना है, उन्हें निपटने का हल भी बताइए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी घबराते हैं, तो आपको चाहिए कि उनको पूरी तरह से ताकत दें, उन्हें बताएं कि वो छोटी छोटी बात पर मत घबराएं, क्योंकि ये समस्याएं जो होती हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, और कैसे समाप्त की जानी है, इनका सामना कैसे करना है, यदि आज आप उन्हें बताएंगे तो भविष्य में जो बड़ी बड़ी समस्याएँ आने वाली हैं वह उनका सामना करने के लिए अभी से तैयार हो जाएगी। आप अपने बच्चे के डायरेक्टर बनिए। प्रोड्यूसर तो होते ही हैं आप, उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, आप अपने बच्चों को नैतिकता के बारे में बताएं, आप अपने बच्चों को समाज के बारे में बताएं, आप अपने बच्चों को ज़िंदगी के साथ कैसे लड़ना है ये ज़रूर सिखाएं, और साथ ही साथ
उन्हें एक अच्छा हमदर्द, एक अच्छा दोस्त जरूर बनाएं। यदि आपका बच्चा किसी दोस्त की मदद करना चाहता है तो आप उसकी उस इच्छा को दबाइए नहीं, बल्कि मदद कीजिए बच्चे। अभी कुछ ही दिन पहले मेरा बेटा मेरे को कहता है कि पापा, क्रिकेट का मैच है और मेरा एक दोस्त खेलने नहीं आ रहा। मैंने पूछा क्यों, कहता है कि वो उसने कोई गलती की थी, पापा से उसको डांट पड़ी, तो अभी वो कहता है कि मैं अपने पापा से पैसे नहीं मांगूंगा, तो क्या मैं उसकी फ़ीस दे दूं? खैर, फीस तो बहुत मामूली थी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि मेरे 11 साल के बेटे के मन में ऐसी बात आई। मैंने उसी क्षण स्वीकृति दे दी और उसे कहा कि बिल्कुल देनी चाहिए। तो इस प्रकार उसने अपने दोस्त की मदद की और मेरे लिए खुशी का क्षण था। कहने का भाव यह है कि यदि बच्चा आपका अच्छा दोस्त बनने का प्रयत्न कर रहा है तो आप उसका साथ देंगे। यदि आपका बच्चा किसी मुसीबत में है, किसी मुश्किल में है, तो उसको उस मुश्किल से भागने मत दीजिए। उसको समझाइए कि इसको कैसे फेस करना है। यदि आज वो अपनी मुश्किल से भागा तो पूरी ज़िंदगी ही भागता रहेगा। इसलिए उसको समझाइए कि कैसे फेस करना है, कैसे इस मुश्किल से हमने लड़ाई करनी है, इस मुश्किल से हमने निजात पानी है। यदि आप इसमें कामयाब रहते हैं तो भविष्य में आपका बच्चा बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करेगा। बुराई के बारे में सिर्फ इतना कहकर कि ये बुरा है, ये गलत है, चुप मत हो जाइए। ये बुरा क्यों है, ये गलत क्यों है, बच्चे को डिटेल में बताने की आवश्यकता है। शराब पीना बुरी बात होती है। अब बच्चे का छोटा सा दिमाग सोचता है कि आखिर क्यों बुरी होती है। उसको समझाइए कि किस लिए बुरी है ये। इसको पीकर व्यक्ति अपना होश गवा बैठता है, इसको पीकर व्यक्ति जो समय अपने परिवार के साथ बिताना होता है नहीं बिता पाता है, इसको पीकर व्यक्ति जो पैसे बच्चों पर खर्च करने होते हैं अपने पर खर्च कर बैठता है। ये सब बातें उन्हें बताइए। सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है, पूरी डिटेल में बच्चे को बचपन से समझाइए। बड़ों का आदर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, आखिर बड़ों का आदर क्यों किया जाता है। बड़े छोटों का आदर नहीं करते हैं, बच्चा सोचता है कि बड़े बच्चों को डांट देते हैं, तो बच्चे बड़ों का आदर क्यों करते हैं। आपको अपने आप को बच्चा बनाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उसके दिमाग में क्या क्या चलता है। ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में चलती हैं, आपको उनका जवाब देना है, उसके पूछे बगैर ही जवाब देना। अपने टीचर का आदर सत्कार क्यों करते हैं, स्कूल को माथा क्यों टेकते हैं, बुक्स को हम विद्या पढ़ाई क्यों कहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इन डिटेल यदि बच्चों को समझाते रहेंगे तो आप सच्चे गॉड फादर और गॉड मदर होंगे। आपका बच्चा कोई गलती करता है तो सिर्फ डांट कर चुप मत हो जाइए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको डिटेल में बताइए कि जो उसने किया था उसमें गलत क्या था। मान लीजिए कि आपका बच्चा चोरी करता, आपने उसको पिटाई कर दी या डांट दिया, अब बच्चा सोचता रहेगा पैसे तो हमारे हैं, मैंने ले लिए, मेरे को ये सब क्यों बोला गया। उसे बताइए कि चोरी करना क्या होता है, उसे बताइए कि उसने क्या गलत किया है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप डिटेल में बच्चों को समझाते रहे तो बच्चा बहुत जल्दी आपकी सभी बातों को समझेगा और भविष्य में फिर कभी गलती नहीं करेगा।
गॉड फादर और गॉड मदर बनने से मेरा तात्पर्य है कि बच्चों को जहां आप उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ति में सहायता करते हैं, वहीं उनको समझाने में भी सहायता करें और साथ में धार्मिक शिक्षा भी दें। उनकी दवा, उनका खाना सब एक्टिवेट करें, परमात्मा की शक्तियां उसके साथ जोड़ें, हाथ में लेकर जाप करें, यूनिफॉर्म पर हाथ फेरते हुए जाप करें, उसकी किताबों पर हाथ रखकर जाप करें। इससे परमात्मा की वाइब्रेशन मिलेगी और आपका बच्चा पॉजिटिव वाइब्रेशन से ओतप्रोत हो जाएगा, यानी पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। जो परमात्मा की शक्तियां, जो परमात्मा की वाइब्रेशन इस संसार में घूम रही है, वो आपको आपके बच्चे से मिलने लगेगी यदि आप उसकी प्रत्येक वस्तु को एक्टिवेट करते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप उसकी प्रत्येक वस्तु को एक्टिवेट कीजिए ताकि वो बड़े आराम से सभी कुछ पा सके। अपनी लाइफ में ये नहीं है कि वो पीछे रहे, उसको सब कुछ मिल सके। तो एक्टिवेशन आपने बच्चे को देनी है, उसको पाठ करने का एक तरीका बताइए और बताइए कि जाप करने का क्या लाभ है, उसको बताइए कि एक्टिवेशन किसे कहते हैं, उसे बताइए कि पॉजिटिव वाइब्रेशन किसे कहते हैं। इतना मत सोचिए कि ये बच्चा है, ये सब आपने उसको शिक्षा देनी है और ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे शिक्षा दें और संपूर्ण रूप से विधिवत शिक्षा दें। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, जय साईं राम। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। यदि आपका कोई सवाल है, जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कोई समस्या है तो व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाएगा। और ये जो वीडियो डालते हैं इसके नीचे भी मैसेज मत कीजिए, क्योंकि हम उसको नहीं पढ़ते हैं, ना ही जवाब देते हैं, ना ही पढ़ते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का जवाब 3-4 दिन में मिलता है, इंतज़ार कीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।